20 अगस्त 1920 को हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले के छोटे से गांव सिकंदरपुर में एक साधारण परिवार में जन्मे बाबू मूलचंद जैन संयुक्त पंजाब तथा हरियाणा सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री, योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता के अलावा लोकसभा सांसद रहे। सच्चे गांधीवादी और सिद्धांतवादी व्यक्तित्व होने पर लोग उन्हें हरियाणवी गांधी के रूप में याद करते हैं। देश को अंग्रेजों से आजादी दिलवाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूदे व स्वतंत्र सेनानी के तौर पर कई बार जेल गए। आजादी के बाद लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकतंत्र के सच्चे सिपाही की तरह भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय आपातकाल के दौरान 19 महीने जेल में रहे, लेकिन अपने सिद्धांतों और आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया। मूल्य आधारित राजनीति के कट्टर समर्थक बाबूजी ने शिक्षा में भी जीवन मूल्य के पाठ्यक्रम शामिल करने के लिए प्रयास किए। हरियाणा में लाइब्रेरी आंदोलन के पुरोधा थे। लाइब्रेरी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने गांव सिकंदरपुर माजरा में अपने पैतृक घर को लाइब्रेरी बनाकर जनता को समर्पित किया। वह दिव्य आत्मा आज हमारे बीच में शारीरिक रूप से भले ही विद्यमान नहीं है, परंतु उनके वट वृक्ष की छाया का अभ्यास आज भी हमें मिल रहा है। राजनीति में रहकर भी एक संत की भांति निभाई गई उनकी भूमिका, संघर्ष और निस्वार्थ सेवा का वर्णन करने लगे तो हजारों पन्ने भी कम पड़ जाएंगे। आज हम उनकी जन्म जयंती पर सादर नमन करते हैं। उनकी जन्म जयंती पर हम उनके जीवन से प्रेरणा लें और उनके बनाए गए आदर्शों पर चलने की कोशिश करने का प्रण लेकर ही उनको अपनी सच्ची पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं। ऐसे महान विभूति को सादर नमन। महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाबू मूलचंद जैन जी की 106वीं जयंती के आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छोटे भाई भानु प्रकाश शर्मा जी और मेरे छोटे भाई के समान ही भाई उमेश शर्मा जी, मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं नरवाल साहब के प्रधान भाई भलेराम नरवाल जी, युवाड़ा से सरपंच आए हैं भाई राजवीर जी और सत्यनारायण जी प्रिंसिपल साहब, हमारे पुराने मित्र हैं और अध्यापक हैं गौर साहब और अन्य सभी सरपंच गाँव के और गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग भी यहां पर बैठे हैं जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है और अन्य भी सभी बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं और सभी मेरी उम्र के और नौजवान बच्चों बच्चों थोड़ा सा बेटा मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे आज ऐसे महान क्रांतिकारी की जन्मस्थली में आके और उनकी जन्मभूमि के दर्शन करने का जो मौका दिया भाई उमेश शर्मा ने। बाबू मूलचंद जैन जी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कहा। मैं भी चौधरी देवलाल के साथ लंबे समय तक रहा और उसी काल में बाबूजियों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ बैठना, उनकी बातें सुनना, उनके जिंदगी के अनुभव सुनना, सभी बातों से परिचय होता रहा। लेकिन 1990 में एक ऐसा कालखंड आया, महम से उपचुनाव था, चौधरी देवीलाल महम से त्याग पत्र देके और केंद्र के उप प्रधानमंत्री बन गए थे ओम प्रकाश चौटाला यहाँ के मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के, और वो अपने पिताश्री की जगह उपचुनाव लड़ रहे थे महम में 1990 की घटना। तो जैसे ही ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने, बाबू मूलचंद जैन जी चौधरी देवीलाल जी कैबिनेट में बिना विधायक होते हुए मंत्री पद था उनके पास, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे जिनको कैबिनेट मिनिस्टर का पद होता है। तो बाबू मूलचंद जैन जी ने कैबिनेट मिनिस्टर का पद छोड़ दिया था, लेकिन पार्टी के अंदर थे, लोकदल के अंदर थे, वो 90 का चुनाव था, मेरे काफी कटु अनुभव थे परिवार के साथ, क्योंकि 1987 में
मुझे सफेदों से टिकट मिला था, संजय कर्पूरी ठाकुर, रेवती नंदन बहुगुणा जी सबके साथ मेरा बहुत अच्छा परिचय था। केंद्रीय नेताओं की सिफारिश से चौधरी देवलाल की भी सिफारिश थी, मुझे सफेदों से टिकट दिया। उसी बीच ओम प्रकाश चौटाला से मेरी अनबन होगी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मैं चुनाव लड़ू वहां से, वो किसी अपने आदमी को चुनाव लड़वाना चाहते थे। लेकिन टिकट मेरे पास थी, मैंने टिकट छोड़ी नहीं। उन्होंने नियम कर लिया कि रामचंद्र जानना को हरवाना है, मैं चुनाव हार गया। लेकिन मैंने भी संकल्प ले लिया कि पीछे नहीं हटना है और अपनी शिकस्त का भी बदला लेना है। 90 में चुनाव आ गया, मैं भी ओम प्रकाश चौटाला जी ने दाल ठोक दी, तो बाबू मूलचंद जैन जी मेरे पास आए घर पर, कह लगे बेटा रामचंद्र, मेरा मन करता है मैं इस आदमी की मुखालफत करूं, लेकिन मैं पार्टी में हो गया, पार्टी में होते हुए कैसे मुखालफत करूं। तो मैंने कहा बाबू जी आपको 4 लाइन सुना दो। कह लगे भले सुना, क्या लाइन है? मैंने कहा चिंतन और चरित्र में विकृति बड़ी हुई है, जम और कौरवों की सेना खड़ी हुई है, क्या पार्थी लक्षणों के व्यामोह में पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। और बाबू मूलचंद जैन कहने लगे तेरे पास किसी पत्रकार का टेलीफोन नंबर है? उस समय महम में पत्रकार नहीं होते थे, रोहतक से बुलाने पड़ते। मैं कहा जी है, सुबला बुला दे सब पत्रकारों। 1 घंटे में सारे पत्रकार आ गए और मेरे मकान के ऊपर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाबू मूलचंद जैन ने, और कहा कि मैं आज से लोकदल से त्याग पत्र देता हूँ और महम में बैठ के ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव लड़वाऊंगा। संकल्प ले लिया। कह लगे कमरा अटैच बाथरूम, भाई गुड आदमी हो, गुड्डे कम उड़ते हैं, इसलिए सीट रहे, वही सारा इंतजाम है। बोला ठीक है, 15-20 दिन यही रहूंगा आपके घर पर ही रहूंगा। वहीं से उन्होंने सारे चुनाव की रूपरेखा बनाई। रोजाना केंद्रीय नेताओं को चिट्ठी लिखनी, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखनी, काफी पढ़े लिखे आदमी थे, पुराने अनुभव थे बाबू मूलचंद जैन, तो मैं अनुभव उनके साथ बताता हूँ। मैं रोजाना उनके पास बैठता था, रात भी देर तक बैठते थे। एक दिन सुबह सुबह 4 बजे घंटी बजी मेरे मकान के ऊपर, पहली मंजिल पर हम रहते थे। मैंने बाहर से सिर्फ बाहर देखा, कोई आदमी खड़ा हुआ था, वो आदमी आज भी है लेकिन मैं नाम नहीं लेता हूँ। कहने लगे बाबू जी जागड़ा साहब आपके पास ही, मगर भी पास ही है, एक बार दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला, ऊपर आ गया, मैंने एक बार बाबू जी को जगा लो। हमने जगाया, भाई क्या खास बात है? वो कहने लगे बाबू जी वैसे भी महल में तो मर्द लोग हैं सारे, और ये ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव जीतने नहीं देंगे, लेकिन आप क्यों खाप खा अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो? आपके साथ कोई ना कोई घटना घटवाएगा आपको, कोई ना कोई चोट मरवा दे या जान से मरवा दे, आप ये इलाका छोड़ के चले जाओ, अपने करनाल जाओ आराम से। तो बाबू मूलचंद जी कहने लगे भाई तेरा धन्यवाद, मैंने सूचना दी, तेरा हमदर्द है, तेरा प्रेमी है, तेरा बहुत बहुत मेहरबानी, लेकिन अगर तेरी हिम्मत है तो उसको ये भी जाके बता देना कि बाबू मूलचंद जैन अंग्रेजों के राज में उनसे नहीं डरे, जिनके राज में सुर्ग नीचे क्या करता, मैं इससे क्या ना। मैं यही रामचंद्र जांगड़ा के मकान पे हूँ और इतने इसकी 13 महीने हो लेगी, इतने में जाऊंगा। मतलब ऐसे बड़े दिल के छोटे से 8 मास के शरीर में इतना विशाल उनका व्यक्तित्व था कि हम कह सकते हैं कि एक गागर में सागर समाया हुआ। तो मेरा सौभाग्य है एक ऐसे महान आत्मा की जन्म पुत्री के सामने खड़ा होकर मैं उनके जन्मभूमि की तरफ अपना चेहरा करके उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य। आज की नेतागिरी और उस समय की नेतागिरी में बहुत ज्यादा फर्क है। पहले तो नेता लोग थे
वो चिंतक भी थे और शिक्षक भी थे। वो सोचते थे कि मैंने देश के लिए क्या करना है, और उन्हीं पद चिन्हों के ऊपर चल के वो शिक्षक भी थे, जनता को शिक्षा भी दिया करते कि तुमने ऐसे चलना। चौधरी चरण सिंह का भाषण सुना करते, सुनते सुनते लोग बोर भी हो जाते। वो इस तरह से लोगों को पढ़ाते थे जैसे अध्यापक स्कूल के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाता है। पहले के नेता शिक्षक भी थे, चिंतक भी थे, लेकिन आज ना शिक्षक है ना चिंतक है, तो मेरी प्लेट है गठजोड़ जोड़ तोड़ करके जरूर रखिए अपना करके अपना कोई कोई टिकट विकट लिया है, अगर सफल हो गए तो फिर अपना पैसा कमाना न लगे। आज की राजनीति में और उस राजनीति में बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए हमारे वही संस्कार रहे, ऐसे लोगों के सानिध्य में रहे। फिर राजनीति पैसा कमाने के लिए नहीं है, राजनीति किसी से बदले लेने के लिए भी नहीं है, राजनीति एक सेवा का माध्यम है। अगर आपने बदले लेने हो तो जा बैठो चंबल की घाटी में, अपने हथियार ले लो और अपना रोजाना मार काट करो, और अगर पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के लिए दुनिया में बहुत चीजें, तुम फैक्ट्री लगाओ, दुकानदारी करो, बिजनेस करो, खेती करो, कुछ करो। राजनीति इन दो कामों के लिए नहीं है, राजनीति सेवा के लिए। वही संस्कार हमारे अंदर रहे और वो आज भी विराजमान है। इसलिए मैं कई बार गांव के अंदर जाता हूं, कभी राजनीति की बात करता भी नहीं, फलाना ये कर दिया, ये तो बाबू मूलचंद जी के जीवन का एक प्रसंग आ गया था, मैंने आपके सामने छोड़ा दिया। लेकिन आज के राजनेता और उस समय के राजनेताओं में मैंने जो बताया, आज जमीन और आसमान का अंतर आ गया। इसके लिए हम सबको ही मिलके आज की व्यवस्थाओं में सुधार करना पड़ेगा, अकेले राजनीति के बस की भी बात नहीं। अब हरियाणा प्रदेश में भी और केंद्र में भी एक नए युग की शुरुआत हुई, लेकिन उस शुरुआत का फायदा तभी मिलेगा जनता को जब उसका साथ हम देंगे। मैं दो तीन छोटी छोटी बातें आपके बीच में बात करता हूं जो आपसे भी ताल्लुकात रखती है, रोजाना हम जिससे रूबरू भी होते हैं। अब हम गांव के अंदर जाते हैं, आमतौर पर एक समस्या आती है, झगड़ा साहब बिजली नहीं है, कई बार समस्या आती है हम गांव में पीने का पानी नहीं है, ये आम समस्याएं दो तो प्रमुख तौर पर हर गांव के अंदर आती है। लेकिन इसका कारण केवल सरकार नहीं, इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, यहां पढ़े लिखे लोग बैठे, जब तक किसी चीज का दुरुपयोग नहीं रुकेगा तब तक उसका अभाव भी बना रहेगा, इकोनॉमिक्स का सिद्धांत। आप चाहे 500 बीघे के जमींदार हो, अगर घर के आदमी दाने के लिए लाए जा तो फिर सही लागू नहीं, चाहे कितनी कोशिश करो। आपकी चाहे लाखों करोड़ों रुपए महीने की इनकम हो, अगर आप जुआ सट्टा खेलना शुरू कर दोगे तो टोटा जावे नहीं, चाहे कितनी कोशिश करो। मेरा मतलब कहने का ये है कि किसी भी चीज का हमारे पास धन है तो हम उसका सदुपयोग करें, हमारे पास अनाज है तो उसका सदुपयोग करें, हमारे पास बिजली है तो उसका भी सदुपयोग करें, हमारे पास पानी है तो उसका भी सदुपयोग करें। पहले हमारे बुजुर्गों ने सारी की सारी परंपराओं का विकास कर रखा था, सारी की सारी मर्यादाओं का समाज के अंदर ही गठन किया हुआ। अब कोई सरकार का ऐसा कानून तो है नहीं कि हमारा कोई बुजुर्ग मर जाए, वो स्वर्ग से हार जाए, तो हम उसकी याद में अपने गांव के तालाब पर त्रिवेणी लगाए, एक फड़ लगाए, एक पीपड़ लगाए, एक नीम लगाए, ये कोई सरकार का कानून तो है नहीं। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने मर्यादा तय कर रखी थी कि जैसे ही कोई घर का बुजुर्ग गुजरेगा उसकी याद में त्रिवेणी लगाएंगे और उसकी अपने बुजुर्ग की तरह ही रक्षा भी करेंगे। तो हर गांव के तालाब के ऊपर इतने बड़े बड़े बड़ों पीपड़ थे, सबसे ऊपर के डाले के ऊपर चेल और के अपना घोंसला डाला करते, और उनकी रक्षा हमारी परंपराओं से हो जाती थी। तालाब के नजदीक शमशान घाट होते, जैसे ही दाग दिया किसी व्यक्ति को, औरत को, महिला को, जो भी गुजर गया, तो तालाब में हाथ धोने के लिए जाते तो पहले एक आधा मिट्टी तालाब की निकाल के
वृक्षों की जड़ के साथ लगा के आते हैं ना, यही परंपरा। तो उससे क्या होता, जड़ के पास मिट्टी बड़ी रहती, जड़ें मिट्टी से ढकी रहती, वो मिट्टी कटती नहीं तो वृक्ष अपने उसकी जड़ों उसकी सुरक्षित रहती, वो खड़ा रहता। जब जेठ आता तो सारे गांव के तालाब सबके सूख जाया करते। कोई सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया, समाज ने कानून बना रखे थे, तागड़ी पागड़ी के हिसाब से जूल बांट लिया करते। भाई तेरे बांटे चार जूल आवन, कोई कहने की जरूरत नहीं थी। अपने मिट्टी का तसला कटा कसी लिया, रेडू गाड़ी लिया और अपने जूल काट के मकवा दिया करते थे। भाई मेरे माँ बने मैंने तो अपने काट दिया। कोई सरकार तालाब नहीं खुदवाती, सारी परंपराएं बुजुर्गों ने निश्चित की हुई थी और हर देश के अंदर हर गांव का तालाब सूख जाया करता, साफ हो जाता था और उसका पानी का जो अंतिम घड़ा रहता था वो भी साफ और सुथरा रहता था, सफेद रहता था। उसको दलिये में, खिचड़ी में, घास में, दाल में, सब में हम प्रयोग करते। और अगर प्यास भी लग जाती तो हमारे पास कौन सा आरओ सिस्टम था, कौन सा फिल्टर था, ये उल्टा जो अड़ाया और कोटे हुए और पानी पी लिया। और जी नीचे रह गया पानी फिल्ट में चले गया था, वो पानी नुकसान करता था ना कुछ करता। तो ये सारे कानून कोई सरकार के नहीं थे, ये सारे समाज के बनाए हुए कानून थे और समाज ने वो सारे कानून तोड़ दिए। आज गांव में कोई वृक्ष नहीं बचा तो जील और गिद्ध भी गए माइग्रेट करके। एक झोटा खागड़ मर जाता, 100 गिद्ध आ जाती, एक घंटे में उसको साफ कर जाते, कोई बदबू नहीं आती थी। आज एक कुत्ता मर जाता है, एक हफ्ता चलता रहता। अब इसका कारण कौन है? कोई सरकार ने तो नहीं बिगाड़े सारे तालाब, या वृक्ष सरकार ने तो नहीं काटे। अब हर गांव का तालाब साफ हो जाता है। अब आज क्या होता है, जैसे ही पानी आता है वाटर सप्लाई आ गई, पहले बर्तन भरे, फिर कपड़े धोए, फिर भैंस धोवाई, फिर कटड़ा धोवाया, फिर आंगन धोया, फिर उगड़ी में खुला छोड़ दिया, फिर तालाब कैसे साफ होगा? तीन पाप इकट्ठे कर देते हम। सरकार 6 रुपए लीटर पानी के ऊपर खर्च करती है उसको साफ करने के लिए, उसको आप तक पहुंचाने के लिए सरकार का 6 रुपए खर्च होता है। अगर आपने 100 लीटर पानी बहा दिया तो 600 रुपए तो सरकार के बहा दिए, आने वाली पीढ़ी के लिए पानी का संकट खड़ा कर दिया और गांव का तालाब गंदा कर दिया। तीन पाप इकट्ठे कर दिए। अब हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में तालाब प्राधिकरण का गठन कर दिया। आने वाले समय में हर गांव के तालाब को साफ करवाएंगे, उसकी चारदीवारी करवाएंगे, उसमें गंदा पानी जाने से रोकेंगे, उसको साफ पानी से भरने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन इतनी व्यवस्था करने के बाद भी अगर गांव के आदमी तालाब के किनारे अपनी कुंडी डाल देंगे तो उसमें सरकार क्या करेगी बताओ? इसलिए बहुत सी बातें। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।